आज़ादी के 75वें साल यानी जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है उसको चलते हमारी जितनी पंचायतें हैं ज़िला श्रीनगर की उनमें फेज़ टू जो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज़ टू है उसके तहत सभी पंचायतों में एक अवेयरनेस ड्राइव लॉन्च की गई है आज, जो एक व्हीकल की फॉर्म में है जिसमें ऑडियो वीडियो सिस्टम भी लगा हुआ है। तो इस तरीके से पंचायतों के अंदर सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में अवेयरनेस को स्प्रेड करने के लिए ये मुहिम चलाई गई है। हमारे ज़िला श्रीनगर में 21 पंचायतें हैं और तमाम पंचायतों के अंदर ये अवेयरनेस ड्राइव लॉन्च की गई है। मैं सभी पंचायत के जो हमारे PRIs हैं उनको अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग इसका एक्टिव हिस्सा बने और अपने पंचायतों को साफ़ सुथरा रखें। डायरेक्टर रूरल सैनिटेशन कश्मीर तारक घनई साहब और डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट कश्मीर तारिक जरगर साहब, दोनों की ये काविशें हैं और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर, ये तमाम स्टेक होल्डर जो बॉडीज़ हैं इनके साथ जो PRIs हैं वो इसमें स्टेक होल्डर हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो पहल की गई है ये आगे पहुँच कर एक कामयाब एक्सपेरिमेंट साबित होगा। सर, COVID-19 के बारे में अगर बात करते हैं तो श्रीनगर में किस तरह की सिचुएशन है और कितने कंटेनमेंट जोन्स हैं और लोगों के लिए क्या अपील रहेगी? देखिए, श्रीनगर में टोटल 88 कंटेनमेंट जोन्स हैं जिसमें से 22 कंटेनमेंट जोन पिछले हफ्ते डिक्लेयर किए गए हैं। इसका कारण यह है कि कुछ दिन पहले जो कंग्रीगेशन हुई हैं उसकी वजह से कुछ स्पेसिफिक इलाकों से ये केसेस देखे जा रहे हैं, जैसे जड़ीबल से, लाल बाज़ार से वगैरह और दीगर इलाकों से काफ़ी ज़्यादा स्पर्ट देखा गया। जहां हमारे केसेस पर डे 20 के आसपास आते थे वहीं आज 80 के आसपास हमें केसेस देखने को मिल रहे हैं और 55-60% केसेस पूरे जम्मू कश्मीर के सिर्फ ज़िला श्रीनगर से आ रहे हैं। तो सिविलिटी ऑफ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है और मैं ये भी, मुझे ये बात कहने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं हो रही कि अगर हम एहतियात नहीं बरतेंगे तो थर्ड वेव की शुरुआत और उसकी बदनामी का जो दब्बा है वो ज़िला श्रीनगर पर ही आ सकता है। मैं सभी से गुजारिश करना चाहता हूं कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करें, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग की प्रैक्टिस करें और साथ साथ वैक्सीनेशन जिन लोगों का अभी नहीं हुआ है वो अपने नज़दीकी सेंटर पर जाकर या मोबाइल टीम से मिलकर अपनी वैक्सीन के जो डोज हैं वो लें, टीका लगवाएँ कोविड का और ख़ुद को भी महफूज रखें, अपनी फैमिली को और पूरे समाज को महफूज रखें। थैंक यू।